सो गाइस, आपने फोटो तो देखा होगा। मैं समीर अंसारी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि इन बंदों के साथ हुआ क्या था जिसके कारण इनका फेस कटा हुआ है इस तरह से, किसी का यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण है ये ग्राइंडर। इसका भी यूज अगर आप अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ डायरेक्शन, जैसे कि ये। अगर आप ग्राइंडर यूज कर रहे हैं तो इस हिसाब से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा इस तरीके से। और दूसरी बात, कुछ लोग होते हैं जो ग्राइंडर को इस तरह से पकड़ते हैं और इस तरह से उल्टा कट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, झटका लगता है। झटका लगने से ये ब्लेड टूट जाता है और टूटने के बाद अगर आप इसके डायरेक्शन में कहीं आ गए तो फिर भैया आपका तो खैर नहीं है। तो इसलिए जब भी आप ग्राइंडर यूज करें तो हमेशा हल्का ही इसको प्रेस करें। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कट करना है तो एकदम दबा के करें। तो भैया अगर आपको इस तरह से अगर बचना है इस तरह के घटने से, तो सबसे पहली बात आपको ग्राइंडर यूज करते समय सेफ्टी ले लेना आपका। या तो आप फेस मास्क यूज कर सकते हैं। ग्लासेस तो बहुत जरूरी है क्योंकि इससे निकलने वाला जो बर रहता है इसका जो टुकड़ा वो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा घातक। अगर गलती से आपकी आंखों में पड़ गया तो भैया आपका तो जान ही निकाल देगा समझो। और अगर हाँ आपने उसको सही टाइम पे नहीं निकलवाया तो आपकी आँख भी खराब हो सकती है। तो इस चीज़ को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सेफ्टी से यूज करें ताकि ये घटना आपके साथ ना घटे। क्योंकि आपने तो सिर्फ यही देखा होगा कि फेस कटा है, पर इससे भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक घटना लोगों के साथ हो चुका है। तो कभी भी अगर आप ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं तो सेफ्टी से यूज़ करें। और जैसा मैंने बताया कि इसी डायरेक्शन में, हमेशा इस डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए, ना कि इस डायरेक्शन में। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।